एक बिलीफ लेके चलिएगा, पीपल आर बेसिकली गुड, लोग वाकई में अच्छे होते हैं। हम लोग मान के चलते हैं दुनिया बहुत खराब है, होता है, सुना है ना? अरे आजकल तो कलयुग है, दुनिया बहुत खराब है, सुना है? अब उससे पूछे भाई साहब तुम खराब हो, बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं, तुम दुनिया में तो हो नहीं। जिस इंसान से पूछ लीजिए वो ये बोलेगा दुनिया खराब है, तुम खराब हो, बोलेगा नहीं। और ये अगर दुनिया में अगर भारत की बात बोले तो कितने लोग हैं, 150 करोड़, कितने जितने भी हैं, वो सारे लोग ये जवाब देंगे दुनिया बहुत खराब है, हम अच्छे हैं। तो एक बार बताओ दुनिया बनाई है? तो लोग, पीपल आर बेसिकली गुड, हम लोग लोगों का बिहेवियर देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप किसी से कोई बात की, उसने रिएक्ट कर दिया, उसने रिएक्ट आपकी बात पे अभी जो किया है वो आपके ऊपर नहीं किया है, पता नहीं उसके दिमाग में और क्या क्या परेशानियां चल रही थी पहले की, वो हो सकता है उसके कारण रिएक्ट किया है। और पता है क्या, कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं ये आदमी तो हमेशा लड़ाई झगड़ाई करता है। हमारा प्यार एक्सप्रेस करने का जो पहला तरीका था मालूम है क्या है, क्या था? जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका हाथ पैर चला के मारना था, चाहे वो पेट के अंदर सही क्यों ना कर रहा हो, बात समझ में आए? तो ये सिर्फ उस आदमी की ग्रोथ नहीं हुई है, बड़े होने के साथ हमारे तरीके बदल जाते हैं, अभी तक उसका तरीका बदला नहीं, इतना ही मान लीजिए। सही बात है, अपने आप को कन्वर्ट करना है, अपने आप को चेंज करना है हमें, लोगों के चक्कर में मत फंसिए। लोग कहते हैं यार मेरा तो परिवार ही ऐसा है, टेंशन ही देता है, तो लेते क्यों? टेंशन देता है, आप ले लेते हैं। कहते हैं नोबडी कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट, कोई आपकी स्वीकृति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। हम स्वीकृति दे देते हैं और लोग एक गेम खेलते रहते हैं जिंदगी में, वन ऑफ फाइट इतनी मेरे साथ लड़ना चाहते हो उनकी जिंदगी में। और आप बोले रोड पे, एक बात ध्यान से सुनिएगा, रोड पे जितने लोग आपको लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे उनकी जिंदगी में, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उनके पास, इसीलिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि उसी से उनको सिग्निफिकेंस मिलता है, बात समझ आ रही? उसी से उनको पहचान मिलती है। जो गली का गुंडा बनना चाहता है वो क्यों बनना चाहता है? किसी को थप्पड़ मारेगा चाहता कहीं अरे यार ये तो दादा है। वही सिग्निफिकेंस आपको किसी इंसान की मदद करके उसको रोड पार करा के भी मिल सकता है, बात समझ गए? तो इन चीजों में लोगों के उस पर मत अटकिए, लोगों का बिहेवियर तो उल्टा सीधा आता है, आने दीजिए, बस ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा हो तो उनके ऊपर ऊपर वाले जो दुआ करिए वो सर्दी दे, उनको उनके साथ झगड़िए।